नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आप सभी को स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों छोटी ओटी वर्क हो आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं। दोस्तों JSSC झारखंड में 10+2 इंटर लेवल एग्जामिनेशन 2024 का नोटिफिकेशन निकला है। दोस्तों ये जो ओल्ड नोटिफिकेशन था इसको दोबारा से रीओपन किया गया है। दोस्तों जो रीओपन किया गया है उसका डेट पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए जो डेट है एडवर्टाइजमेंट नंबर 15 नवंबर 2023 एंड 16 नवंबर 2023। ये देखिए दोस्तों डेट जो पहले डेट था और इसका नया जो डेट आया है 11 जुलाई से लेके 10 अगस्त के बीच में आप लोगों को अप्लाई करना होगा। 13 अगस्त पेमेंट का लास्ट डेट एप्लीकेशन फ़ी जमा करने का और 18 अगस्त से लेके 20 अगस्त आप लोगों को एप्लीकेशन एडिट करने का मिलेगा। ठीक है, ये नया सूची आया है, नया डेट रीओपन हुआ है नोटिफिकेशन। दोस्तों आप लोगों को नोटिफिकेशन पूरा दिखाने वाला हूँ मैं, वीडियो के साथ पूरा बने रहिएगा। दोस्तों JSSC मीन झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके द्वारा दोस्तों स्टेनोग्राफर कम PA यानी पर्सनल असिस्टेंट 27 पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है और LDC लोअर डिवीजन क्लर्क 836 पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला। टोटल कुल मिलाकर 863 पोस्ट हैं। एग्जाम नेम JIS CKHT 10+2 इंटर लेवल एग्जामिनेशन 2024। दोस्तों एडवर्टाइजमेंट नंबर 15 नवंबर 2023 एंड 16 नवंबर 2023। दोस्तों सैलरी मिलेगा आप लोगों को स्टेनोग्राफर कम PA को 25,500 से लेकर 81,100 का पे स्केल मिलेगा। लोअर डिवीजन क्लर्क को 19,900 से लेकर 63,200 का पे स्केल आप लोगों को मिलेगा। क्वालिफिकेशन दोस्तों आप लोगों को चाहिए होगा, कैंडिडेट 12 पास होना चाहिए या फिर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन किसी भी सरकारी बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूशन से या फिर इंडिया से कहीं पे भी अगर आपने किया है सरकारी किसी भी इंस्टीट्यूशन से तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, स्किल और आपको इस क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा जिसमें 30 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी टाइपिंग आना चाहिए और 80 वर्ड पर मिनट हिंदी स्टेनोग्राफी आपको आना चाहिए। ठीक है, और जो टाइपिंग स्पीड होगा 250 वर्ड टाइपिंग टेस्ट होगा 250 वर्ड का, 10 मिनट आप लोगों को मिलेगा, 25 वर्ड पर मिनट आप लोगों को टाइप करना होगा। ठीक है, उसी हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए। एज लिमिट मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम UR पुरुष कैंडिडेट के लिए 35 ईयर और EBC 1 और EBC 2 पुरुष कैंडिडेट के लिए 37 ईयर, UR EBC 1 BC 2 महिला के लिए 38 ईयर यानी UR महिला EBC 1 महिला और BC 2 महिला के लिए 38 ईयर, SC ST मेल फीमेल दोनों के लिए 40 ईयर मैक्सिमम। ठीक है दोस्तों, जॉब कैटेगरी स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, जॉब लोकेशन ऑल ओवर झारखंड में कहीं पे भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जाम होगा, मेन एग्जाम एक ही फेज में होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट आपका जो हिंदी टाइपिंग और टेनोस टाइपिंग का जो टेस्ट है वो आपसे लिया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल फिटनेस, उसके बाद आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन अप्लाई 11 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, रीओपन हुआ है। ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट 10 अगस्त 2024। दोस्तों अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त कोई भी गलती हो जाता है, अगर आप करेक्शन करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को 18 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 3 दिन आप लोगों को मिलेगा करेक्शन करने के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी जनरल EBC BC 1 एंड BC 2 कैटेगरी के लिए 100 रुपया, SC ST झारखंड स्टेट ओनली 50 रुपया यानी झारखंड स्टेट ओनली 50 रुपया। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करोगे तो आपको 100 रुपये ही देना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट www.jssc.nic.in। दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, देख सकते हैं 15 अप्रैल 2023। ठीक है, ये सब देख सकते हैं। दोस्तों नोटिफिकेशन हिंदी में पब्लिश हुआ है। शुरुआत में देखिए एप्लीकेशन का फ़ी, वैकेंसी डिटेल आप लोग ऐसे क्या क्या है नहीं है देख सकते हैं। ठीक है, ये एज एप्लीकेशन फ़ी, मुझे संस्कृत हिंदी पढ़ने में दिक्कत होता है, नहीं तो मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन पढ़ के बता देता, कृपया आप लोग थोड़ा कष्ट उठाइएगा और पढ़ लीजिएगा। ये आपका वैकेंसी डिटेल, आपका जो वैकेंसी एलोकेट किया गया है कास्ट वाइज वैकेंसी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए दूसरा भाग, ये दोस्तों डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी डिटेल
डिपार्टमेंट वाइज कास्ट वाइज बाकी झारखंड के अलग अलग डिपार्टमेंट पर किस किस डिपार्टमेंट पर कितना रिक्रूटमेंट होगा आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा, मैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे देख सकते हैं कास्ट वाइज डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट पर किस किस डिपार्टमेंट पर किस किस कितना रिक्रूटमेंट होगा। ठीक है, ये है टोटल 863 वैकेंसी। ये आप लोगों को जो वेतन क्रम मिलेगा आप ये देख सकते हैं, ये आपका वेतन क्रम देख सकते हैं, आप लोगों को वेतन क्रम मिलेगा। ये आपका जो क्वालिफिकेशन योग्यता जो आपको चाहिए परीक्षा किस प्रकार से होगा आप ऐसे देख सकते हैं, कितना वर्ड कितना टाइप करना होगा हिंदी में दिया हुआ है। 2% से ज़्यादा आप गलती नहीं कर सकते। ठीक है, जितना भी आप टाइप करेंगे उससे 2% यानी 250 वर्ड अगर टाइप करेंगे तो इसका 2% कितना होगा, 1% होगा, 2.5 ये तो 2% 5 मतलब 5 वर्ड से ज़्यादा आप गलत नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आप ऐसे क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, आपका न्यूनतम योग्यता क्या होना चाहिए ऐसे देख लीजिए। ठीक है, अब ऐसे देख सकते हैं, ये आपका जो एज लिमिट मैंने आपको बताया था 1 अगस्त 2023 के अनुसार आपका आयु होना चाहिए। ठीक है, किस प्रकार से होना चाहिए देखिए, किस किस को कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा आप ऐसे भी देख सकते हैं। दोस्तों देखते हैं आपका, देखिए दोस्तों परीक्षा किस प्रकार से होगा, ये आपका परीक्षा कितना घंटा किस प्रकार होगा हिंदी भाषा और क्या, ये देख सकते हैं 60-60 मार्क करके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना पाना होगा कितना नहीं पाना होगा, कट ऑफ मार्क भी दिया हुआ है आप यहाँ से देख सकते हैं, और भी है इसके लिए कितना परीक्षा है आप यहाँ से थोड़ा देख लीजिएगा। मुझे संस्कृत में हिंदी पढ़ना नहीं आता दोस्तों, नहीं तो मैं लाइन बाय लाइन आप लोगों को पढ़ के बताता, इंग्लिश में होता तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं था, मैं आप लोगों को पूरा पढ़ के बता देता। संस्कृत हिंदी में दोस्तों मैं संस्कृत हिंदी में पढ़ाई नहीं किया हिंदी मीडियम से, इसलिए मुझे पढ़ने में दिक्कत होता है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, इसलिए माफ़ी चाहते हैं, नहीं तो मैं ही आप लोगों के लिए कष्ट कर देता। ये शायद आपका सिलेबस है, एग्ज़ाम का सिलेबस होगा ये आपसे, आप ऐसे देख लीजिएगा। देखिए हिंदी के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा आप ऐसे देख सकते हैं, ये आपका सिलेबस होगा दोस्तों। इंग्लिश पार्ट के लिए इंग्लिश लिटरेचर है, लैंग्वेज लिटरेचर आपको क्या क्या पढ़ना होगा आप ऐसे देख सकते हैं, शॉर्ट स्टोरीज है ऐसे, हिस्ट्री राइटिंग फोन प्रोस, उर्दू लैंग्वेज में आपको प्रोस क्या पढ़ना होगा, हाजी अकबर ये सब आपको, प्रेमचंद स्टोरी भोला ये सब आपको पढ़ना होगा, उर्दू पोएम जो कविताएं हैं आप लोगों को ऐसे पढ़ना होगा। ठीक है, उर्दू पोएम एंड प्रोस कविताएं एंड कहानी गद्य जिसको बोलते हैं। ठीक है, उर्दू ग्रामर आपको क्या क्या पढ़ना होगा आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका सिलेबस। दोस्तों ये नोटिफिकेशन लिंक आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है, आप लोग जाके ओपन करके देख सकते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, ये सब देख सकते हैं। उड़िया लैंग्वेज में क्या क्या होगा नहीं होगा आप लोगों को क्या पढ़ना होगा, दोस्तों बंगाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर भी आपको पढ़ना होगा यहाँ से देख सकते हैं, प्रोस एंड पोएट्री आपको ऐसे पढ़ना होगा देख सकते हैं, क्या क्या पढ़ना होगा कौन सा प्रोस पोएट्री पढ़ना होगा। ठीक है, सिलेबस बहुत बड़ा है, अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, टाइम ज़रा सा भी मत गवाइए क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटर ज़्यादा है नौकरी के लिए, इसलिए जिनको भी जॉब पाना है वो मेहनत करे। अब ऐसे क्या क्या है आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, पास मार्क शायद परीक्षा का पास मार्क। दोस्तों ये नोटिफिकेशन लिंक बैकलॉग वैकेंसी एक पोस्ट है सिर्फ बैकलॉग वैकेंसी और ये रेगुलर वैकेंसी का लिस्ट और जो डेट चेंज हुआ है उसका नोटिफिकेशन और अप्लाई का लिंक आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है, अलग अलग आप लोग देख सकते हैं। कुछ कास्ट अलग अलग कास्ट के लिए कुछ सर्टिफिकेट है, आप लोगों को ये भरना होगा अपने अपने कास्ट के हिसाब से। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए एकदम नीचे दिया हुआ है, इसको आपको भरना होगा। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा, दिन भर आप लोगों के लिए ही मेहनत करता हूँ। जय हिंद, जय श्री कृष्ण, थैंक यू।